नंदू हॉस्पिटल के सामने खड़े होके फूफू कर रहा है। बीबी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। औरतों वाली बीमारी? खर्चा इतना। सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। 10 रुपए की? और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत। और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हंस मत। 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच अब हंस। हीरोगिरी, ये पीने में नहीं है, ये देने में। बोल जिंदाबाद, तू शेर शाह, हरदम रहेगा सरहदों।
को याद तू फूकता जा फूकता जा जालिमों की बस्तियां दुश्मनों को क्या पता है आग की औलाद तू पत्थरों पे बम गिरा के बोल जिंदाबाद तू शेर शाह दम रहेगा सरहदों को याद तू फूकता जा जालिमों की बस्तियां दुश्मनों को क्या पता है आग की औलाद तू जादू भारत भारत कहता जादू पर्वत पर्वत चढ़ता जादू वीर बहादुर लड़ता जा शपथ तुझको इस माटी की लड़ना जब तक जान है बाकी दम रुक जाए कदम रुके ना जय हिंद नमस्कार, ये कहानी मेरी है पर मुख्य किरदार मैं नहीं मेरे पापा हैं। सूर्य प्रताप सिंह द योद्धा। और ये कहानी का अंत नहीं है, तो चलिए कहानी शुरू से देखते हैं। और ये कहानी शुरू होती है मेरे इस दुनिया में आने से पहले। ये रुमाल है। अच्छा, तो मुझे तो पता ही नहीं था कि ये रुमाल है। तो बेड पे क्या कर रहा था? क्या कर रहा था? तुम ही ने रखा था ना नहाने के बाद, बाहर सुखा नहीं सकते? सुखा नहीं जा रहा था, पर आज बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज आने वाली थी ना, तो भूल गया। भूल गया? कैंप में भूलते हो ये सब? हाँ, जा रहा हूँ ना सुखाने। क्या हुआ, आज मूड सही नहीं लग रहा? आपकी बुआ। बुआ? बुआ को क्या हुआ? बुआ को कुछ नहीं हुआ, बुआ का फोन आया। तो क्या हुआ? हुआ ही तो नहीं है कुछ, वही पूछ रही थी कब होगा। क्या होगा? आपको सब पता है, ज्यादा नखरे मत करो। पूनम, अब हम सब ट्राई कर रहे हैं ना, सारे मंदिर मस्जिद दरगाह कहाँ कहाँ के मन्नत नहीं रखी हमने, अब उसकी मर्जी होगी तभी खुशियाँ आएगी ना हमारे घर में। है ऐसा क्यों बेजुबान सा ये जहां है, किसे पूछूं है ऐसा क्यों बेजुबान सा ये जहां। खुशी के पल कहाँ ढूंढूं बेनिशान सा वक्त भी यहाँ है, जाने कितने लबों पे गिले हैं सपने क्यों आंखों में लकीर जब छूटे इन हाथों से यूं बेवजह।
लौट के सदा जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई के आ गई है लौट के सदा। गुड न्यूज है। क्या? वही जिसका हम बरसों से इंतजार कर रहे थे। सची? क्या हुआ, तुम खुश नहीं दिख रहे? नहीं, ऐसा नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। पर क्या? मुझे परसों कैंप में रिपोर्टिंग करनी है, मुझे जाना पड़ेगा। हाँ तो क्या हुआ, तुम जाओ, मैं अपना ध्यान खुद रख लूंगी। No, I can't go. I can't leave you like this. Try to understand. No, you have to go. I'll take care of myself. Please. But Poonam. Okay, now discussion is over. You are going. Colonel Surya Pratap Singh. ਮੈਥੋਂ ਤੇਰਾ ਮਨ ਭਰਿਆ ਮਨ ਭਰਿਆ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਵੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰਾ ਵੇ ਮੈਥੋਂ ਤੇਰਾ ਮਨ ਭਰਿਆ मन भरिया बदल गया सारा वे तू मैनू छड़ जाना गल्ला तेरिया तो लगदा यारा गल गल ते शक कर दे बार जरा भी नहीं हुण तेरी अखिया च मेरे लिए प्यार जरा भी नहीं। मैं बहुत जल्द ही आ जाऊंगा। पता है आज इसने पहली बार लात मारी। मेरा ते कोई है नी तेरे बिन तेनू मिल जाना किसे दा सहारा वे तू मैनू छड जाना गल्ला तेरिया तो लगदा यारा हेलो कर्नल सूर्य प्रताप सिंह, मुबारक हो, आपकी वाइफ को लड़की हुई है। एक दिन मोहब्बत ओढ़ कर एक दिन गली के मोड़ पर तेरी हथेली पर लिखूं मेरा नाम तेरे नाम पर फिर तू तकल्लुफ छोड़ कर फिर तू झुका करके नजर रखना मेरे
कांधे पे सर जिंदगी, कुछ तो बता जिंदगी अपना पता जिंदगी, तारों भरी एक रात में तेरे खत पढ़ेंगे साथ में कोरा जो पन्ना रह गया एक कांपते से हाथ में थोड़ी शिकायत करना तू थोड़ी शिकायत मैं करूं नाराज बस ना होना तू जिंदगी कुछ तो बता पता जिंदगी। जय हिंद सर। जय हिंद सर। दो दिन बाद आपकी बेटी एक साल की हो जाएगी, तो क्या लेकर जा रहे हो आप गिफ्ट में? वही तो पता नहीं चल रहा। तो सर मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ ना। Open your mouth, ha ha ha. We're having a roses,
डॉक्टर पूनम कैसी है? Is she okay? No, she has only 20 to 30 days. Why? What happened? She has cancer, last stage. ये कब? Sorry. कुछ नहीं, सब ठीक है। तू खाना कम खाती है ना, इसलिए तबीयत खराब हो गई। तू सब जानदा है मैं छड नहीं सकती तेनू, ताही ता उंगला ते रोज नचाउना मैनू। तू सब जानदा है मैं छड नहीं सकती तेनू, तेरी याद ने उंगला ते रोज नचाउना मैनू। अगले जन्म विच अल्लाह ऐसा खेल रचा के भेजे, मैनू तू बना के भेजे, तेनू मैं बना के भेजे। एको हुंदी है वे जिंदगी, तू मिलना नी मैनू वे दोबारा, वे तू मैनू छड जाना। कभी कभी पलक झपकते पूरी दुनिया ही बदल जाती है, और वही हुआ मेरे पापा के साथ। लेकिन असली कठिनाई भरा सफर अब शुरू होता है, जब मेरे पापा को पता चलता है कि मैं और बच्चों की तरह नहीं हूँ, मैं सबसे अलग हूँ, बहुत अलग, स्पेशल। और यहाँ मेरे योद्धा बनने की कहानी शुरू होती है।
प्रार्थना, चलो बेटा खाना खा लो। हम जल्दी जल्दी खाना खाएंगे और फिर हम स्ट्रांग हो जाएंगे। वेरी गुड। एक और बेटा, एक लास्ट। चलो जल्दी 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 जल्दी। जैन सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग विकास। मेजर विकास राजपूत रिपोर्टिंग सर, कैसे हो सर? आई एम फाइन। कैसी है गुड़िया? बेटा सल्यूट करो अंकल को और गुड मॉर्निंग बोलो। ट्राई करो बेटा। प्रार्थना, इट्स ओके सर, सी जस्ट 6 इयर्स ओल्ड सर। दैट्स आई नो, और इसे सब पता चलता है, बस करना कुछ नहीं है। अरे नहीं सर, हमारी प्रार्थना बहुत ही स्ट्रांग है सर, और उसके अंकल देखो हमारी प्रार्थना के लिए क्या लेकर आए हैं। चॉकलेट। यार विकास, तुम इसकी आदत बिगाड़ रहे हो। अरे सर, एक चॉकलेट से क्या होता है। तो यहाँ कैसे? बस प्रार्थना की याद आई और आ गया। गुड। और कंपनी में सब कैसे हैं? और वो चौहान को लड़की मिली कि नहीं? उसे कहां से लड़की मिलेगी सर? सच बताऊं सर, आपके बिना ना मजा नहीं आ रहा। वो तो पता है मुझे, क्यों मजा नहीं आ रहा? अरे सर सर सर, अरे सर देखो प्रार्थना, आपके पापा कितनी मस्ती करते हैं। वैसे सर आगे का क्या सोचा है? बस अब कल प्रार्थना के स्कूल में एडमिशन के लिए जाना है। कौन से स्कूल में? GPS। सर GPS स्कूल में कैसे हो सकता है एडमिशन? क्यों नहीं हो सकता सर, उसमें तो क्या, सॉरी सर, पर उसमें सारे नॉर्मल बच्चे ही पढ़ते हैं ना। नॉर्मल मतलब? मेरी प्रार्थना नॉर्मल ही है। सर आप मेरी बात मानिए, ऐसे बच्चों के लिए अलग से स्कूल होते हैं और वहाँ इनके ठीक होने के चांस भी होते हैं। बस विकास, मेरी बेटी नॉर्मल ही है और बच्चों जैसे, उसे ट्रीटमेंट की कोई जरूरत नहीं है, और अगर स्कूल उसे एडमिशन नहीं देती तो मैं उसे पढ़ाऊंगा। पर सर। बस विकास। सॉरी सर। जय हिंद सर। बाय प्रार्थना। प्रार्थना अंकल को सैल्यूट करो और बाय बोलो। देखो बेटा, कभी भी तिरंगा या आर्मी के जवान हमें मिले तो उसे सैल्यूट जरूर करना, क्योंकि उनकी वजह से ही हम हैं। और पता है कल हम स्कूल जाएंगे।
सॉरी सर, हम आपकी बेटी को एडमिशन नहीं दे सकते। सर प्लीज, ये पूरी तरह से नॉर्मल ही है सर। सर आप समझिए, इन जैसे बच्चों के लिए अलग से स्कूल होता है, आप वहाँ इसका एडमिशन करा लीजिए। एंड थैंक्स फॉर विजिट अवर स्कूल। अरे सर सॉरी, हम इसे एडमिशन नहीं दे सकते, ये एबनॉर्मल है। आप एक काम कीजिए, इसे इसके जैसे पागल बच्चों के साथ एडमिशन करवाइए और वहीं रखिए। नहीं, मेरी बेटी नॉर्मल ही है बाकी बच्चों की तरह। अब मैं उसे पढ़ाऊंगा, मैं उसे सब सिखाऊंगा। मैं भटकता
क्या हुआ बेटा? पेट में दर्द हो रहा है? क्या हुआ? ये खून? ऐसे क्यों कुछ तो लिखते हो, लिख के मिटाती हूँ मैं रात भर। ऐसे क्यों बातें खुद की ही खुद से छुपाती हूँ मैं आज कल। पर ये सब सोचना दिल को यूं खोलना, सब कुछ कह कर ही सबको बताना जरूरी है क्या? ऐसे क्यों? ऐसे क्यों उसके होंठों पे अच्छा लगता है मेरा नाम? ऐसे क्यों कुछ भी बोले वो मन में घुलता है जाफरान? गिरता है गुलमोहर ख्वाबों में भर। ऐसे ख्वाबों से बाहर निकलना जरूरी है क्या? ऐसे क्यों? हाँ क्यों? हाँ क्यों? वो कुछ भूलना ऐसे क्यों? अभी तक खाना नहीं खाया? पर ये सब क्या है, इतने सारे खिलौने, ये सब साफ कौन करेगा? पहले ये सब खाना खत्म करो, फिर ये खिलौने ठीक से रखो,
उसके बाद चॉकलेट। नो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। प्रार्थना सैल्यूट करके गुड मॉर्निंग बोलो अंकल को। चॉकलेट चाहिए प्रार्थना को, तो उसके अंकल लाए ना प्रार्थना के लिए चॉकलेट। वैसे अभी यहाँ कैसे? सर आपकी जरूरत है कंपनी को। विकास यू नो मैं नहीं आ सकता अब। सर आपके बिना ये मिशन इम्पॉसिबल है। लेकिन प्रार्थना का ध्यान कौन रखेगा? सर मैंने आपको बोला था ना, प्रार्थना के लिए मैंने एक अच्छा स्कूल देखा है। सर वहाँ इसका ध्यान भी रखा जाएगा और ट्रीटमेंट भी मिलेगी। बट प्लीज सर, देश को आपकी जरूरत है सर। ओके आई एम इन। बेटा मैं एक दो दिन में वापस आ जाऊंगा। प्रार्थना प्लीज, मेरा अच्छा बच्चा है ना। बेटा ये देखो चॉकलेट। बेटा पापा को अब जाना पड़ेगा, चलो जल्दी से पापा और अंकल को सल्यूट करके बाय बोलो। चलो बेटा सल्यूट करो। सारी सांधेरे क्यों लाई, क्यों लाई, क्यों लाई? रोशनी के पाँव में ये बेड़ियां सी क्यों आई, क्यों आई, क्यों आई? उजियारे कैसे अंगारे जैसे छाँव छैली धूप मैली क्यों है?
चलती है, नाचता में जलती है, लाश है ये किस ख्वाब की, रातों में पल रही है, सड़कों पे चल रही है, क्यों बाल खोल दहशते यहाँ, रातों में पल रही है, सड़कों पे चल रही है, क्यों बाल खोल दहशते क्या हुआ सर, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं सर, आपको पता है ना, आप सब कर सकते हैं, झूठ नहीं बोल सकते हैं। बताइए ना सर, क्या सोच रहे थे? प्रार्थना के बारे में। क्या सर? यही कि अगर मुझे यहाँ कुछ हो जाता है तो प्रार्थना का क्या होगा? सर आपको कुछ नहीं होगा, वो बैठा है ना, उसे सब पता है किसे कितना सुख और दुख देना है, अब बस अच्छा ही होगा। और प्रार्थना की ट्रीटमेंट भी चल रही है, देखना सर आपके घर जाते ही आपको सैल्यूट करेगी।
आज से तुझको वो याद करता रहा। तू जीता रहा तेरे लिए वो मरता रहा। तेरे दर्द की आहट सुनी तो आ गया सब छोड़ के तेरी राह में लेकर खुशी। वो है खड़ा हर मोड़ पे सब छोड़ के। फिकर में गुजरता रहा लम्हा दर लम्हा तेरे साथ दुनिया थी वो रहा तन्हा का तन्हा। तेरी फिकर में गुजरता रहा लम्हा दर लम्हा तेरे साथ दुनिया थी वो रहा तन्हा का तन्हा। सुन ले देखा था जो पलकों को भी निचोड़ के तेरी राह में लेकर खुशी। वो है खड़ा हर मोड़ पे सब छोड़। जिसे तुझको वो याद करता रहा। ये है मेरे पापा सूर्य प्रताप सिंह, मेरे योद्धा, जो मुझे सिर्फ सैल्यूट करते देखने के लिए अपनी मौत से लड़ते रहे। क्योंकि योद्धा वो नहीं होता जो हमेशा जीतता है, पर योद्धा वही होता है जो हमेशा लड़ता रहता है।
पूछते मम्मी की मुस्कान है पापा, मेरा आसमान है पापा, मेरा आसमान है पापा। हंसा के खुशियों से भर देते हैं मेरे आंसू हाथ में।